हेलो गाइस, मैं हूं रायान। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट्स में बोला था कि ब्रॉन्को की फाइट डिफेंडर के साथ कराने के लिए, तो आज डिफेंडर ब्रॉन्को और देखो गाइस ये कार भी मेरे पास आ चुकी है। ये है टोयोटा की मेटल ट्रक। आज कराते हैं इन तीनों के बीच में फाइट। देखते हैं गाइस आज की फाइट में कौन सी कार जीतती है। चलो पहले चलते हैं बाहर, फिर कराते हैं इनके बीच में फाइट। आज पता चलेगा गाइस सबसे ताकतवर कौन सी कार है, ब्रॉन्को या फिर डिफेंडर। चलो, लैंड रोवर डिफेंडर को मैंने 80,000 रुपीस में खरीदा था पूरे मॉडिफिकेशन के साथ। फोर्ड ब्रॉन्को को 78,500 रुपीस में मैंने लिया था और टोयोटा मेटल ट्रक को मैंने 40,000 रुपीस में खरीदा था। सभी बॉक्सेस को मैंने यहाँ पे निकाल लिया है और सभी बॉक्सेस को भी लेके चलते हैं बाहर। तो गाइस देखो मैं आ चुका हूं बाहर। सभी कार्स को मैंने ऑलरेडी अनबॉक्स कर दिया है। सबसे पहले कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं इन दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों ही कार्स एकदम कंपटीशन वाली मेरे को लगती है गाइस। तो दोनों का कलर देख सकते हो भाई, काफी ज्यादा यूनिक कलर है। इसके अंदर देखो मैंने अलग से विंच लगा रखा है, कंप्लीटली मेटल का विंच है। इसके अंदर मैंने विंच वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है। आने वाले दिनों में इसके अंदर भी मैं जरूर से विंच लगा दूंगा। ये मड फ्लैप्स भी मैंने इसके अंदर अलग से लगा रखे हैं। ये कंप्लीट इसका जो मॉडिफिकेशन है मैंने 25,000 का ये कार के ऊपर करा रखा है। दोनों के अंदर काफी सिमिलर से व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। हाइट की बात करूं तो क्लियरली आप देख सकते हो कैरियर लगाने के कारण इसका हाइट थोड़ा सा ज्यादा आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर पीछे आपको एक भी हुक देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे हुक है, पीछे की तरफ देखो एक टोइंग हुक भी दिया गया है। बाकी विड्थ की बात करूं तो फोर्ड ब्रॉन्को डिफेंडर से काफी ज्यादा चौड़ी दी गई है। तो एक बार इन दोनों का बॉडी कवर भी मैं आपको निकाल के अंदर के पार्ट्स बता देता हूँ फटाफट से। इसके अंदर जो है इस तरह का क्लिप सिस्टम दिया गया है। ऊपर की तरफ पिंस वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इसके अंदर दिया गया है टाइटन 21T 550 मोटर। इसके अंदर भी आप देख सकते हो टाइटन 21T 550 मोटर देखने को मिलती है। यहाँ पे 3S की बैटरी है। इसके अंदर यहाँ भी मैंने 3S की बैटरी लगा रखी है। ये कार कम्प्लीटली मॉडिफाई होने के कारण इसका ESC आपको थर्ड पार्टी वाला मिल जाएगा, पर इसका जो ESC है ट्रैक्सिस का ही अभी तक लगा हुआ है। यहाँ पे डिफरेंशियल लॉक्स के लिए इस तरह के सर्वो आपको दिखेंगे। इसके अंदर भी आप देख सकते हो सेम सर्वो दिए गए हैं। बाकी दोनों ही कार्स कम्प्लीटली वाटर प्रूफ है। आज देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारी टोयोटा की मेटल ट्रक है। सामने की तरफ कम्प्लीट आप देख सकते हो इसका बम्पर मेटल का बना हुआ है। यहाँ पे मेटल है। ये हेडलाइट इसकी प्रॉपर तरीके से काम करती है। कार की बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा मजबूत है। अगर इसको मैं ब्रॉन्को और डिफेंडर के साथ कंपेयर करूं तो आप देख सकते हो ये कार इन दोनों की टक्कर वाली कार मेरे को लगती है। पर इसके अंदर एक दिक्कत मेरे को लगती है गाइस, वो है इसके व्हील्स इन दोनों कार्स के मुकाबले में थोड़े से छोटे हैं। अब बात करते हैं गाइस इसके बारे में। ये कार बहुत ज्यादा गजब की है। इसको मैंने सिर्फ 10,000 रुपीस में खरीदा था गाइस एक साल पहले। इसके व्हील्स देखो गाइस बहुत ज्यादा बड़े साइज के दिए गए। ये भी फोर व्हील ड्राइव है। आज देखते हैं गाइस क्या ये कार डिफेंडर और ब्रॉन्को को हरा पाएगी या फिर नहीं। तो चलो गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं लैंड रोवर डिफेंडर को मिट्टी में टेस्ट करने वाला हूँ, वो भी बहुत ज्यादा हाई स्पीड में। इसको मैं एकदम टेढ़े-मेढ़े तरीके से भी चला के देखूंगा क्या ये नीचे गिरती है या फिर नहीं। देखूंगा इसको मैं बहुत ज्यादा जिगजैग मोशन में चला रहा हूँ। इतनी ज्यादा धूल मिट्टी ये कार फेंक रही है, फिर भी गाइस ये नीचे बिल्कुल भी नहीं गिर रही है। ब्रेक्स मैंने यहाँ पे लगा दिया है। इसके अंदर ब्रेक्स बहुत ही ज्यादा परफेक्ट दिए गए। बाकी कार की कंट्रोलिंग आप खुद देख सकते हो, इसको मैं कितनी आसानी से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। अब चलाते हैं ब्रॉन्को को। इसको भी बहुत ही हाई स्पीड में बहुत ही खतरनाक तरीके से चला के देखने वाला हूँ। देखो गाइस ये कार भी बिल्कुल भी पलट नहीं रही है। इसके ब्रेक्स मेरे को थोड़े से हल्के फुल्के लगते हैं। बाकी देखो किस तरीके से ड्रिफ्ट करती हुई अपनी कार मिट्टी के अंदर यहाँ पे दौड़ लगा रही है। भाई मजा आता है ब्रॉन्को को और डिफेंडर को मिट्टी में चलाने। देखो गाइस ये पलट गई थी, वापस से अपने आप को सीधा भी इसने कर लिया है। अब चलाते हैं दोस्तों टोयोटा मेटल ट्रक को मिट्टी के अंदर। नो डाउट ये ट्रक थोड़ा सा स्लो चलता है, पर इसके अंदर एक बहुत ही स्पेशल फीचर दिया गया है। अब मैं इसको यहाँ से एक्टिवेट करने वाला हूं। बटन को प्रेस कर दिया मैंने। अब देखो गाइस ये थोड़ा सा क्रॉस चलने लगती है। क्रॉस चलते चलते ये ड्रिफ्ट भी कर सकती है। ये जो पीछे का व्हील है इसको हम लोग कंप्लीटली लेफ्ट को भी रख सकते हैं या फिर राइट को भी रख सकते हैं। इस तरीके से ये कार जीरो ड्रिफ्ट भी कर सकती है और बहुत कमाल तरीके से क्रॉल भी कर सकती है। तो गाइस देखो इन दोनों के बीच में पहले मैं रेस कराने वाला हूँ, ऑफ रोड में रेस कराऊंगा, उसके बाद इनकी क्लाइंबिंग भी कराते हैं गाइस। देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। चलो ये लो गाइस दोनों के बीच में रेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। फोर्ड ब्रॉन्को के अंदर इनिशियल पिकअप ज्यादा दिया गया है। फोर्ड ब्रॉन्को थोड़ी सी तेज मेरे को लग रही है लैंड रोवर डिफेंडर के मुकाबले में। यहाँ पे अब एक बहुत ही खतरनाक सी क्लाइंबिंग आ चुकी है। देखते हैं कौन सबसे पहले क्लाइंब करेगा। दोनों ने इकट्ठा क्लाइंब किया है। दोनों के अंदर मैंने डिफ लॉक लगा दिया था। अब आगे देखो गाइस बहुत ही खतरनाक सा मलबा आने वाला है। देखते हैं यहाँ पे कौन पहले आगे निकल के
रेस को जीतता है। यहाँ पे फोर्ड ब्राउन को गिरते गिरते रह गई है। अब देखो गाइस फोर्ड ब्राउन को थोड़ा सा एक तरफ झुक गई थी, ट्रैक्सस लैंड रोवर डिफेंडर तो यहाँ पे पूरी की पूरी फंस चुकी है, क्योंकि अब ब्राउन को के मुकाबले में थोड़ी सी भारी भरकम है। इसी बात का फायदा उठाकर ब्राउन को मलबे में काफी आराम से क्रॉल करके जा रही है। अब डिफेंडर को मैंने थोड़ा सा रिवर्स लेके आगे बढ़ाया तो डिफेंडर भी मलबे में से निकल चुकी है। अब डिफेंडर की स्पीड देखकर ब्राउन को से धीरे धीरे बढ़ने लगी है। इसने तो यार ब्राउन को ही ओवरटेक कर दिया है। मेरे को लगा था कि ब्राउन को यहाँ पे आराम से जीत जाएगी, पर डिफेंडर आगे बढ़ चुकी है और मलबे में से दोनों ही कम्प्लीटली बाहर आ चुके हैं। अब दोनों ही कार्स के अंदर मैंने हाई स्पीड गियर लगा दिया है, देखते हैं गाइस अब कौन जीतता है। क्लियरली आप देख सकते हो डिफेंडर काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है। ब्राउन को की स्पीड धीरे धीरे करके अब ज्यादा होने लगी है गाइस। ओ माय गॉड, ब्राउन को ने टक्कर मार के डिफेंडर को साइड में कर दिया है और क्लियरली आप देख सकते हो ब्राउन को जीत चुकी है रेस को। मेरे को लगा था गाइस यहाँ पे डिफेंडर जीतेगी, पर कम्प्लीटली ब्राउन को इससे ज्यादा तेज है। पर डिफेंडर ऑफ रोडिंग ब्राउन को से भी काफी बढ़िया तरीके से कर रही थी। अब फोर्ड ब्राउन को की रेस कराते हैं WL टॉयज जीप के साथ, देखते हैं गाइस इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा फास्ट। सेकंड गियर लगाते ही फोर्ड ब्राउन को बहुत ज्यादा तेजी से आगे निकल चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जीप पूरी ट्राई कर रही है इसको ओवरटेक करने के लिए। ओह माय गॉड, जीप यहां पे पलट गई थी, फिर सीधी भी हो चुकी है। अब देखो ये झाड़ियों में आकर फंस गई है। एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा रिवर्स लेके आगे चलाने की कोशिश करते हैं, फुल स्पीड में मैं चढ़ाऊंगा तो देखते हैं। ओके चढ़ चुकी है। अब फोर्ड ब्राउन को के सामने काफी बड़े बड़े पत्थर आ चुके हैं। ओह माय गॉड, देख रहे हो गाइस इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफी कम है, फिर भी ये इतने बड़े बड़े पत्थरों में से काफी आराम से निकल चुकी है। जीप की ग्राउंड क्लीयरेंस ब्राउन को से भी काफी ज्यादा दी गई है। फिर मैंने जीप को थोड़ा सा रिवर्स लेके हाई स्पीड में आगे बढ़ाया तो जीप यहाँ से निकल चुकी है। तो गाइस क्लियरली आप देख सकते हो ब्राउन को अभी भी बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। वापस से WL टॉयज की जीप झाड़ियों में आकर फंस गई है, पर ब्राउन को बिल्कुल भी झाड़ियों में नहीं फंस रही है। देख रहे हो किस तरीके से झाड़ियों के ऊपर से जंप मार के निकल चुकी है। फोर्ड ब्राउन को जीत चुकी है रेस को। अब लैंड रोवर डिफेंडर से फाइट करने के लिए टोयोटा मेटल ट्रक आ चुकी है, देखते हैं दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। क्लियरली डिफेंडर लगातार टोयोटा मेटल ट्रक को पीछे ढकले जा रही है। यहाँ पे मैं डिफेंडर की पावर देखकर हैरान हो चुका हूँ गाइस। अब डिफेंडर से लड़ाई करने के लिए WL टॉयज जीप आ चुकी है। जीप को भी ट्रैक्सस डिफेंडर ने चुटकी बजाते ही उठा के फेंक दिया है। मेरे को लगा था कि गाइस यहाँ पे दोनों के बीच में टाई हो जाएगा, पर ट्रैक्सस डिफेंडर बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप एकदम खतरनाक सी फाइट कराने वाला हूँ मैं। देखो ये WL टॉयज जीप को और टोयोटा मेटल ट्रक को एक तरफ मैंने बांध दिया है, दूसरी तरफ बांध दिया है ट्रैक्सस डिफेंडर को। देखते हैं गाइस क्या ट्रैक्सस डिफेंडर इन दोनों को इकट्ठा हरा पाएगी या फिर नहीं। ये दोनों ही कार्स काफी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ पे डिफेंडर भी इनसे कुछ कम नहीं है गाइस। देखो अब मैंने हाई स्पीड गियर एक्टिवेट कर दिया है डिफेंडर के अंदर, डिफेंडर इन दोनों को घसीट के लेके जा रही है गाइस। मेरे को लगा था कि ये दोनों मिलकर इसको हरा देंगे, पर लैंड रोवर डिफेंडर इन दोनों से बहुत ज्यादा पावरफुल है। मेरे को तो वैसा लग रहा है कि मैं दूसरी तरफ तीन कार्स भी बांधू ना फिर भी डिफेंडर तीनों को भी हरा सकती है इकट्ठा। अब होगी लड़ाई डिफेंडर वर्सेस ब्राउन को के बीच में, देखते हैं कौन है सबसे ज्यादा ताकतवर। यहाँ पे डिफेंडर ने ब्राउन को उठा के फेंक दिया है एक बार में ही। मेरे को लगा था कि गाइस यहाँ पे टाई हो जाएगा या फिर दोनों ही हार जाएंगे, पर डिफेंडर बहुत ज्यादा पावरफुल है ब्राउन को के मुकाबले में। तो गाइस अब इन दोनों के बीच में मैं कराने वाला हूँ तो गो फॉर पुशबैक में। तो आप लोगों ने देख लिया ना यार डिफेंडर ने ब्राउन को उठा के फेंक दिया था, अब कराते हैं तो गो फॉर। देखते हैं गाइस तो गो फॉर में कौन किसके ऊपर भारी पड़ता है। यहाँ पे दोनों ही कार्स पूरी कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को खींचने के लिए। दोनों के अंदर अभी मैंने फुल ट्रिगर दबा दिया है, देखो गाइस दोनों ही कार्स तरीके से हिलने लग रही है। ओ भाई साहब ब्राउन को की हालत देखो थोड़ी सी खराब होती हुई मेरे को लग रही है। अगर इन दोनों के बीच में मैं इसी तरीके से और फाइट कंटिन्यू रखूंगा तो दोनों में से किसी एक की मोटर जलेगी या फिर किसी एक का टायर फट जाएगा, तो मैं दोनों को रोक देता हूं फटाफट। यार दोनों ही कार जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है। डिफेंडर ने ब्राउन को थोड़ा सा खींचा था, उसके बाद यार ब्राउन को ने इसको पूरी तरीके से रोक लिया है, तो क्लियरली यहां पे दोनों के बीच में टाई हो चुका है गाइस। अब होगी बहुत ही भयंकर और बहुत ही डेंजरस सी ऑफ रोडिंग। लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ पे एक्स मैक्स को चलाया था तो एक्स मैक्स और XRT ठीक ठाक तरीके से चल गए थे, क्योंकि उनके व्हील्स काफी ज्यादा बड़े बड़े साइज के थे। तो सबसे पहले टोयोटा मेटल ट्रक को मैंने यहाँ पे चलाने की कोशिश की है, टोयोटा मेटल ट्रक बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा कम थी और इसके व्हील्स भी थोड़े से छोटे थे। फिर मैंने WL टॉयज जीप को भी चला के देखा है, WL टॉयज जीप थोड़ी सी चल रही थी, उसके बाद ये भी आकर यहाँ पर फंस गई थी बड़े से पत्थर के ऊपर। फिर गाइस मैंने यहाँ पे चलाने के लिए ट्राई किया है ट्रैक्सस डिफेंडर को, ट्रैक्सस डिफेंडर भाई साहब काफी कमाल तरीके से चल रही थी। ओ माय गॉड, देख रहे हो इतने बड़े बड़े पत्थरों पे चलने के लिए बड़े बड़े व्हील्स भी चाहिए। उसके बाद आकर देखो गाइस ये भी यहाँ पर फंस गई है। फिर मैंने ट्रैक्सस ब्राउन को भी चलाने की कोशिश की है, ट्रैक्सस ब्राउन को तो यार थोड़े से चलने के बाद यहाँ पर आकर ये फंस के रह गई थी क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा कम है ट्रैक्सस डिफेंडर के मुकाबले में। तो क्लियरली ऑफ रोडिंग में ट्रैक्सस डिफेंडर जीत चुकी है। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ट्रैक्सस डिफेंडर
अच्छी लगी या फिर ट्रैक्सेस फोर्ट ब्रॉन को अच्छी लगी। चलो गाइस अभी मैं देने वाला हूँ शाउट आउट। पहला नाम है सक्षम, संतोष, रहमान, अंसर, प्रणव, विनायक, यशवंत, इसरार, हर्ष, एहसान। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।